कभी कभी हम लोगों के मन में प्रश्न होता है कि इस भागवत की इतनी महिमा क्यों है। तो इसका उत्तर यह है कि इस भागवत की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि यह भागवत कोई एक साधारण संसारिक किताब मात्र नहीं है। कहते हैं कि जैसे गंगा जी जो है इस धरती पर जल के रूप में विराजमान है, जैसे तुलसी महारानी, जैसे वृंदा देवी जो है एक तुलसी वृक्ष के रूप में संसार में विराजमान है, वैसे ही साक्षात भगवान कृष्ण जो है भागवत के रूप में इस संसार में आज भी विराजमान है। ये भागवत कोई साधारण किताब नहीं, जैसे वृंदा देवी जो है, तुलसी देवी जो है एक वृक्ष के रूप में हम सबके समक्ष विराजमान है, जैसे गंगा जी जो है हम सबके धरती पर जो है जल के रूप में विराजमान है, नदी के रूप में विराजमान है, वैसे ही भगवान कृष्ण जो है इस धरती पर इस भागवत के रूप में विराजमान है। ये भागवत कोई साधारण किताब नहीं, भागवत साक्षात कृष्ण है, भगवान है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। इस बात को भी हम लोग एक कथा के द्वारा समझ सकते हैं। भागवत की महिमा में भगवान वेद व्यास जी पद्म पुराण के उत्तर खंड में एक बहुत सुंदर इतिहास का वर्णन करते हैं और यही इतिहास जो है सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमोद्यतः एकादश परिश्रुत्याप्य उद्धव वाक्यं ब्रवीत् त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्त कार्यं विधाय च माचिते महति चिंता तं श्रुत्वा सुखमावह। इस इतिहास को सुनाते हुए सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक समय जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पर अपनी लीला को संपूर्ण करके और वापस अपने गोलोक धाम जा रहे थे, वापस अपने वैकुंठ में जा रहे थे, सूत गोस्वामी जी इस इतिहास को सुनाते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पर अपनी लीला को पूरा करके और जब वे अपने गोलोक धाम वापस जा रहे थे, अपने वैकुंठ धाम वापस जा रहे थे, उस समय उद्धव जी, भगवान के सखा उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास गए, प्रणाम किए और उद्धव जी ने बड़े दुख के स्वर में भगवान से कहा कि हे गोविंद, हे कृष्ण, आप इस धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए अवतार लेते हो, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतार लेते हो
और अब जो है आपका अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है, अतः आप पुनः अपने गोलोक धाम में जा रहे हो। लेकिन हे प्रभु, आप अपने गोलोक वापस जाने से पहले मेरा एक चिंता दूर करके जाइए। मेरे दिल में एक बहुत बड़ा दुख है, उस दुख को दूर करके जाइए। भगवान कृष्ण ने पूछा कि अरे उद्धव, आप तो मेरे भक्त हो और मेरे भक्त को दुख कैसा, आपको किस बात का दुख है? उद्धव जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, मुझे तो कोई दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है ना कि जैसे ही आप इस धरा धाम को छोड़ करके अपने बैकुंठ वापस चले जाओगे ना, तो आपके जाने के बाद ही इस धरती पर घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा और कलयुग के आगमन हो जाने के बाद संसार के सारे प्राणी जो है कलयुग के प्रभाव से अनेक प्रकार के पाप कर्मों में ही प्रवृत्त हो जाएंगे और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप जो है सभी जीव नरक में जाकर के हजारों वर्षों तक बहुत बहुत कष्ट झेलेंगे। हे प्रभु, संसार के लोग नरक में जाकर के कष्ट झेलेंगे ना, इसी बात का मुझे बहुत दुख है। अतः आप जो है वैकुंठ जाने से पहले कुछ ऐसा उपाय करके जाइए कि कलयुग के लोग जो है कलयुग के प्रभाव से प्रभावित न हो और कलयुग के लोग जो है उस साधन का आश्रय लेकर के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए, नरक में जाने से बच जाए, पाप से बच जाए। आप वैकुंठ जाने से पहले ऐसा कोई उपाय छोड़ के जाइए। उस समय भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, मैंने आपके शोक को दूर करने वाला और संसार के दुखी लोगों का दुख दूर करने का उपाय जो है मैंने पहले से ही सोच लिया है। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु, आपने संसार के लोगों का दुख दूर करने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, मैंने एक बार जो है इस धरती पर, इस भूमंडल पर राम का अवतार लिया और रामावतार के बाद जो है मैं साकेत लोक में चला गया। और हे उद्धव जी, एक बार मैंने इस धरती पर वामन का अवतार धारण किया और वामन अवतार के बाद जो है मैं सुतल लोक में चला गया। हे उद्धव जी, एक बार मैंने इस भूमंडल पर नरसिंह का अवतार धारण किया और नरसिंह अवतार के बाद जो है मैं क्षीर सागर में चला गया। लेकिन हे उद्धव जी, चूंकि आप मेरे परम भक्त हो इसीलिए आज जो है मैं आपको एक बहुत गुप्त बात बताने जा रहा हूं। क्या? कि हे उद्धव जी, हर बार तो कृष्णावतार के बाद मैं जो है अपने गोलोक में वापस चला जाता हूँ, अपने वैकुंठ में वापस चले जाता हूँ, लेकिन इस कृष्णावतार के बाद जो है न तो मैं गोलोक में ही जाऊंगा और न तो वैकुंठ में ही जाऊंगा और न तो क्षीर सागर में ही जाऊंगा। हे उद्धव जी, इस कृष्णावतार के बाद जो है इस कलयुग के अंत तक मैं जो इस भागवत रूपी सागर में निवास करूंगा और जो लोग इस
भागवत की कथा श्रवण करेंगे उन सारे लोगों को जो है मैं समस्त प्रकार के पाप कर्मों से, समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त कर दूंगा। इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी के देखते देखते इस भागवत में प्रवेश कर गए। वेद व्यास जी लिखते हैं, स्वकीयं यद् भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद् भागवतार्णवम्। यह कहकर के भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के देखते देखते इस भागवत में प्रवेश कर गए। इसका मतलब यह है ना कि यह भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह भागवत साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान इसमें प्रवेश कर गए। कहते हैं कि इस संसार में कुछ मूर्तिकारों ने भगवान की मूर्ति जो है पत्थरों से बनाई। इस संसार में कुछ मूर्तिकारों ने भगवान की मूर्ति जो है सोने और चांदी से बनाई। इस संसार में कुछ मूर्तिकारों ने भगवान की मूर्ति जो है स्याही से बनाई, लेकिन हमारे इतिहास में भगवान वेद व्यास जी एक ऐसे मूर्तिकार हुए जिन्होंने भगवान की मूर्ति शब्दों से बनाई। इसीलिए इस भागवत को शब्द ब्रह्म कहते हैं। वेद व्यास जी ने भगवान की मूर्ति शब्दों से बनाई, इसीलिए इस भागवत को शब्द ब्रह्म कहते हैं। कहने का भाव यह है कि यह भागवत जो है साक्षात भगवान है, और चूंकि यह भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, इसीलिए इस भागवत की कथा सुनने की बहुत बहुत महिमा है।